नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया है। 21 मई 2021 को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589 बैठक में निर्णय लिया गया। बोर्ड ने अपनी बैठक में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की। रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च में परिवर्तन के चलते बोर्ड ने 9 महीने की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की और वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी। बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। बीते वर्ष इतना हस्तांतरित किया गया था। अधिशेष इससे पहले बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने पर अपनी सहमति दी थी। यह पिछले साल से पहले बीते 7 वर्षों में सबसे कम सरप्लस ट्रांसफर था। साल 2019 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को 1,23,414 करोड़ रुपए अधिशेष हस्तांतरित किया था। यह है केंद्रीय बैंक की कमाई का जरिया। केंद्रीय बैंक की कमाई का मुख्य जरिए करेंसी कारोबार और सरकारी बॉन्ड के अलावा नोटों का मुद्रण या सिक्कों की ढिलाई है। इस आमदनी में से एक हिस्से को रिजर्व बैंक अपने परिचालन खर्च और आकस्मिक जरूरत के लिए रखता है। शेष राशि सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरित कर दी जाती है। रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अधिशेष को लाभांश कहा जाता है। डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक जैसे एन चंद्रशेखरन, सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बैठक में शामिल रहे। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देवाशीष पांडा और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने भी बैठक में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।